नोमेरिकल टू द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ वन पॉइंट फाइव प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर एंड द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इन टू अकाउंट एज इज़ नाइन पॉइंट एट प्लस माइनस पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड स्क्र कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विद अनसर्टेनिटी ये एक टाइम पीरियड है इसकी हमें ये लेंथ गिवन है अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी इसी तरह एक्सलेन ड्यू टू ग्रेविटी हमें गिवन है नाइन पॉइंट एट विद अनसर्टर्निटी तो जब दोनों चीज़ें अनसर्टेनिटी में तो हमने जो टाइम पीरियड मालूम करना है टाइम पीरियड होता है यहाँ से यहाँ तक जाना और वापस आना है एक साइकिल पूरा करना तो वो टाइम पीरियड में करना है तो गिवन तो हमें पे क्या है लेंथ ऑफ द पेंडुलम विद अनसर्टनिटी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद अनसर्टनिटी और टाइम पीरियड मालूम करना है तो वो भी अनसर्टेनिटी के साथ मालूम करेंगे शुरू करते हैं सोल्यूशन सबसे पहले टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड इक्वल टू पाई स्क्वेयेर रूट एल ओवर जी कंप्यूटर में जब भी स्क्येर रूट डालते हैं वो नॉर्मली इस तरह का दे देता है ज़्यादा इसको आपने यूज समझना है एल ओवर जी के ऊपर पूरा है और स्क्वेयर uh, रूट uh, की वैल्यू होती है वन बाय टू ठीक है स्क्वेयर रूट होती है पावर वन बाय टू नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं हम लोग लेंथ की वैल्यू डाल देते हैं 1.5 पॉइंट फाइव प्लस माइनस जीरो जो कि गिवन थी और g की वैल्यू डाल देते हैं जो कि गिवन थी 9.8 पॉइंट एट प्लस माइनस जीरो पॉइंट वन होल रिस्बार वन बाय टू मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और पावर में आपने याद रखना है जब भी कभी इसको सॉल्व करना होता है अनसर्टेनिटीज को तो फिर क्या करना होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसका तरीका क्या है ये तो एज इट इज़ लिख लेते हैं प्लस माइनस भी एज इट इज़ इसको करना होता है डिवाइडेड डिवाइडेड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इसी तरह नीचे वाली भी जो परसेंटेज में करना है नेक्स्ट चलते हैं इसको ऊपर ले जाते हैं टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू तो टू पाई जब इसको सॉल्व किया तो वन पॉइंट फाइव और एज इट इज रहे पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाई हंड हो गया और नीचे, 100, ये नीचे पॉइंट वन डिवाइड बाई नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड्रेड ये कैलकुलेटर से करेंगे तो वन पॉइंट जीरो टू आ जाएगा और परसेंटेज एज इट इज रख लेंगे होल रिस्टवा वन बाई टू नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें आपको याद होना चाहिए कि जब भी कभी मल्टीप्लीकेशन या डिवीज़न करनी हो तो उसको एज इट इज़ किया जाता है फॉर मेन वैल्यू ठीक है तो डिवाइड हम लोगों ने यहाँ पे करना है वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई नाइन पॉइंट एट डायरेक्टली कर लेंगे और जो अनसर्टेनिटीज़ हैं अनसर्टेनिटीज़ को मल्टीप्लीकेशन और डिवीज़न में क्या किया जाता है परसेंटेज के अंदर प्लस किया जाता है तो इसको आगे सॉल्व करेंगे 1.5 पॉइंट फाइव डिवाइड बाई नाइन से कैलकुलेटर करेंगे तो आ जाएगा 0.153 और 0.66 और 1.02 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाता है 1.68 पॉइंट सिक्स एट परसेंट होल इस वार वन बाई टू अब हम लोगों ने ये देखें कि ये पावर वाला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन होती है डिवीज़न होती है और ये पावर वाला क्वेश्चन है पावर वाले क्वेश्चन में जब पावर को ओपन करते हैं तो इसके लिए जो असल वैल्यू है उसके लिए तो वो पावर के तौर पे ही बिहेव करता है जो दूसरी अनसर्टेनिटी होती है उससे आके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाता है बी इसको करके दिखाता हूँ पॉइंट वन फाइव थ्री होल रिस्बा पावर वन बाय टू यानी ये तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी इसके लिए तो ये पावर तो के तौर पर ही एक्ट करेगा लेकिन जो अनसर्टेनिटी वैल्यू है उसमें आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता है जिस तरह ये वन बाई टू इंटू वन पॉइंट सिक्स एट परसेंट अब नेक्स्ट स्टेप में इस को कैलकुलेटर से आपने जब किया वन पॉइंट वन फाइव थ्री होल्ड इस वन बाई टू तो आपको आंसर दे देगा पॉइंट थ्री नाइन वन वन और वन बाई टू से वन पॉइंट सिक्स एट को मल्टीप्लाई किया तो सामने नजर आ रहा है पॉइंट एट फोर परसेंट आंसर है फर्दर सॉल्व करेंगे टू पाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री पॉइंट थ्री नाइन वन वन तो आंसर आ गया पॉइंट फोर फाइव टू पॉइंट फोर फाइव और 0.84 परसेंट एज इट इज़ अपनी शॉर्ट फॉर्म में मौजूद था अब इसको राउंड ऑफ़ कर लेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू टू क्योंकि 0.4 के बाद अगला जो डिजिट था वो 5 था 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको राउंड ऑफ करके इंक्रीज कर देते हैं पॉइंट टू पॉइंट और प्लस माइनस पॉइंट ये देखें फोर फाइव से छोटा है तो इसको पॉइंट कर देंगे और यही हमारा आंसर है